बाइबल कहता है, बाइबल सेज सेकंड कोरिंथियन में, सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 4, चैप्टर 4 वाक्य 4, कि जो कोई विश्वास नहीं करता उसके वचन पर, दैट ऑल दोस हु डू नॉट बिलीव इन हिज वर्ड्स, इस संसार के जो दुष्ट आत्मा है, ईश्वर है, उनका आंख अंधा कर दिया है. सो द गॉड ऑफ दिस एज हैज ब्लाइंडेड द माइंड्स ऑफ दीस अनबिलीवर्स. अगर इससे हमको फ्री होना इस चीज से, एंड इफ वी वांट टू बी सेव्ड फ्रॉम दिस, हमको बिलीव करना है परमेश्वर वचन में. वी हैव टू बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड. और आगे क्या लिखा है कि उसकी महिमा, परमेश्वर का जो ग्लोरी है, वो हमको देखने नहीं मिलेगा. एंड व्हाट्स रिटन फर्दर दैट वी विल नॉट बी एबल टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. सी हम कितना चीज मिस करते हैं बिकॉज़ हम बिलीव नहीं करते परमेश्वर. सो वी मिस सो मेनी थिंग्स बिकॉज़ वी डू नॉट बिलीव इन गॉड. और कितने बार मैं कह चुका कि पर विश्वास नहीं करना, एक परमेश्वर के सामने अभी भी सुना ब्रदर ने बोला कि एक इंसल्ट करना जैसा है. एंड मेनी टाइम्स आई हैव सेड दिस दैट व्हेन वी डू नॉट बिलीव इन गॉड वी आर एक्चुअली इंसल्टिंग हिम. इंसल्ट है प्लस परमेश्वर का ग्लोरी को हम देखने के लिए नहीं मिलता. एंड as a result we are not even able to see the glory of god. aur avishwasi man parmeshwar se door bhi leke aate the galatians mein padha humne. and an unbelieving heart can even take us away from the lord as we read in galatians. aur iske liye ek hi rasta hai. and there is only one way for this. humko parmeshwar pe 100% believe karna. we have to totally believe on in god. even humko kafi sara doubts ye rehte hai, kafi sara sawal rehte hai. even though we may have a lot of doubts and questions. mere kal mere dimag mein aisa aaya tha, कल एक थॉट ऐसा आया था. यस्टरडे पर्टिकुलर थॉट हैड कम टू माय माइंड. मैं न्यूज़ देखा था कि एक दिल्ली में कुछ एक शेर ने उस व्यक्ति को, वो अचानक गिर गया ज़ू के अंदर. आई सॉ दिस न्यूज़ ऑन टेलीविजन दैट इन दिल्ली अ पर्सन जंप्ड इनटू अ टाइगर पिट. तो शेर ने उसे कुछ 5-10 मिनट में उसको मार डाला, खत्म कर दिया. एंड आफ्टर 5 or 10 मिनट्स द टाइगर किल्ड दैट पर्सन. बट मेरे दिमाग में आया कि वो व्यक्ति को मार डाला और मैं पूछा लॉर्ड कि शेर की तूने क्यों बनाया, इतना डेंजर है हमारे लिए. And I was thinking to myself that the Lord, why have you created such a dangerous animal that can kill people? You know, कितना डेंजर है कि वो जब भी मैं देखा वो आदमी जब सामने बैठ के उसे हाथ पैर जोड़ रहे थे, बिल्कुल छोड़ दे छोड़, और उसको कहाँ से समझेगा? And I was seeing in the news, in the video that that person was literally pleading for his life, but the animal doesn't come to know all of these things. पर तो टाइम पे उसको शेर ने खत्म कर दिया. And in some time the animal killed him. मैं कहने की चाहता हूँ, मेरे दिमाग में आया कि शेर परमेश्वर ने क्यों बना. यू नो, एक अनबिलीव थॉट आ सकता है मेरे दिमाग में. एंड आई बिगन टू रियलाइज व्हाई इट इज दैट द लॉर्ड हैज क्रिएटेड एन एनिमल लाइक दिस. फॉर एग्जांपल, एन अनबिलीविंग थॉट मे कम टू माय माइंड, बट मुझे इसका जवाब तो नहीं मिला. एंड आई डिड नॉट गेट एन आंसर टू दिस. बट मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने कुछ ना कुछ रीजन है जो शेर को बनाया, वो हमारे अच्छे के लिए. एंड आई बिलीव दैट देयर इज वन रीजन, इवन दो आई डोंट अंडरस्टैंड इट, देयर इज अ रीजन व्हाई द लॉर्ड हैज क्रिएटेड दिस एनिमल एंड इट्स फॉर आवर गुड. कितना चीज हमको पता नहीं, लेकिन हमको सिर्फ बिलीव करना है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दिस दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड, बट वी हैव टू बिलीव इन द लॉर्ड. यू नो, परमेश्वर जब बच्चे को देखते हैं, बच्चा कभी भी अपने डैड के विरोध कभी नहीं, उसको पता है मेरा डैड मुझे संभालता है हमेशा. व्हेन यू लुक एट अ लिटिल बेबी, द लिटिल चाइल्ड विल नेवर डाउट हिज फादर. ही विल ऑलवेज नो दैट द फादर has its best interest. जब भी गिरते हैं, उसको चोट लगते हैं, तो डैड के पास आते हैं, डैड मुझे चोट लगा. So when the child will fall down, it hurts itself, it will always come to its father saying, father, I hurt myself. वो हमेशा डैड पे डिपेंडेंट है. Because the child is always dependent on his father. मेरे दिन में एक encouraging, मैं last week में देख रहा था, last week एक question मुझे मिला. Last week I was looking at this verse. पहले करूँ तू? First Corinthians chapter 26 verse 26. हे भाइयो, अपनी बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना बहुत शक्तिमान और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्ख को चुन लिया है और ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे. ब्रदर्स, थिंक ऑफ व्हाट यू वर व्हेन यू वर कॉल्ड. नॉट मेनी ऑफ यू वर वाइज बाय ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, नॉट मेनी वर इन्फ्लुएंशियल, नॉट मेनी वर ऑफ नोबल बर्थ, बट गॉड चोज द फूलिश थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड टू शेम द वाइज. गॉड चोज द वीक थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड टू शेम द स्ट्रांग. कोई बोलना नहीं चाहिए कि जब परमेश्वर ने हमको बुलाया, ये पॉलस कोरिन्थी चर्च को लिख रहा है, और इस ये चर्च काफ़ी सारा परमेश्वर के अंदर था, अन्य भाषा बोलता था,
बट लेकिन वहाँ पर पौलुस कुछ ना कुछ देख रहे हैं उनके अंदर और उनको एक वार्न कर रहा है कि मेरे कोरिन्थ भाइयों कि परमेश्वर ने जब तुम बुलाया था तुम कैसे थे. So the Apostle Paul here is writing to the church of Corinthians and is telling them that even though you're operating in the gifts of the Spirit, like speaking in tongues and all of that, still he sees a lack in them and he's warning them that you have to always remember what you were prior to coming to Christ. Paul us Corinthian church ko wo ehsaas dilana cha raha tha ki tumko jab permission mila tha tum kya buddhiman the. So he was making them realize that when you came to Christ, were you really wise? Tum kya bahut balwan the? Were you really strong? Tum kya rich the? Were you very rich? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने सिर्फ मूर्खों को चुना है. जो परमेश्वर की नजर मूर्ख है, जो लोगों की नजर में मूर्ख है, परमेश्वर ने उनको चुना है. बट ही इज रिमाइंडिंग देम दैट गॉड सेलेक्ट्स दोस पीपल हु आर नथिंग इन द साइट ऑफ दिस वर्ल्ड. हो सकते कि हम ये चीज भूल गए रहेगा. कुड बी दैट वी हैव फॉरगॉटन दिस थिंग. हम अगर प्रीवियस का हो सकते हमने जब बिलीव किया रहेगा डे वन से हम अपने आप को मूर्ख समझते रहेंगे. It could be that initially when we believed at that time we must be thinking ourselves as fools. But मैं आज और एक को रिमाइंड करना चाहता हूँ कि क्या तुम आज के दिन में परमेश्वर के नजर में मूर्ख अपने आप को समझ सकोगे? But I want to ask today when we look at ourselves before the Lord, are we considering ourselves as fools? और आगे लिखा है कि आगे बहुत अच्छा उसने बताया. And further he says, और परमेश्वर ने संसार को निश और तुझ को वरन उनको जो है भी नहीं चुन लिया है और उन्हें जो व्यर्थ ठहरा है जिससे कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are so that no one may boast before him. इसलिए चुना कि परमेश्वर हमारे अंदर परमेश्वर मतलब हम उसको हमारे अंदर घमंड ना आए परमेश्वर के प्रति. हमने अभी 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी हम कुछ बन गया, मतलब कुछ समथिंग कुछ है. So we have to be very careful that we never get proud thinking that I've been in the Lord for 5 years now, 10 years now, and suddenly I'm a senior person. और हमको ये चीज़ remind करना है कि परमेश्वर ने हमको कौन सा गटर से निकाला है. And I have to always remind myself from what gutter the Lord has picked me up. और हमारा औकात क्या है. And what is our standing before Him? इसलिए स्वर्ग में उस एंजल ने उसका औकात भूल गया था तो परमेश्वर उसको निकाल दिया. There was one angel that forgot its place, his place in heaven, and he became the devil. और हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारे जीवन में और ये ऑटोमेटिक अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे ये हो सकते जैसे कि ब्रदर कभी कभी बताते कि एग्जांपल देते हैं कि एक पसीना जब आता है तो हम उसको रोक नहीं सकते. सो हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस बिकॉज़ इफ यू आर नॉट केयरफुल इट कैन जस्ट हैपन. लाइक ब्रदर जैक ऑलवेज गिव्स दिस एग्जांपल ऑफ परस्पायरिंग. नो मैटर व्हाट वी डू वी विल ऑलवेज परस्पायर. ट्राई करते हैं कि पसीना नहीं आए तो गर्म जब होगा तो ऑब्वियसली पसीना आता है. वी कैन ट्राई दैट वी विल नॉट परस्पायर बट एवरी टाइम इट गेट्स हॉट वी विल परस्पायर. जब भी हमारे अंदर कोई भी प्राइड हम समथिंग आता है हम अपने आप को क्लींस करो. इन द सेम वे प्राइड कीप्स कमिंग आउट सो वी हैव टू कीप क्लींसिंग आवरसेल्व्स. और अपनी नजर में परमेश्वर की नजर में हमेशा मूर्ख बने रहो ताकि वो तुमको बुद्धिमान ठहराए. एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर ऑलवेज एज फूल्स इन द साइट ऑफ द लॉर्ड सो दैट ही कैन देन एग्जॉल्ट अस एंड मेक अस वाइज. और एक चीज में एनकरेज करना चाहता हूं. One more thing I'd like to share and encourage everyone. यीशु मसीह के चेलों के यीशु मसीह के पास आए. When the disciples of the Lord Jesus came to him, और पूछ रहे कि स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? And they were asking him who is the greatest in the kingdom of God. मत्ती 18 में देखते हैं उसमें. We read in Matthew 18. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बच्चे के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना करोगे कर ना पाओगे. एक में पढ़ता हूँ. और उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे स्वर्ग का राज में सबसे बड़ा कौन है? At that time the disciples came to Jesus and asked who is the greatest in the kingdom of heaven. तब उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया. He called a little child and had him stand among them. और बीच में खड़ा करके कहा. And he said, मैं तुमसे सच कहता हूँ. I tell you the truth. कि जब तक तुम ना फिरो और बच्चे के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना कर पाओगे. Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान. Therefore, whoever humbles himself like this child. दीन और उस दीन दीन बनाता है वही स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है. इज द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन. इसलिए हमको हमेशा परमेश्वर के हमको मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ. मैं भी इस चीज़ से अभी फाइट कर रहा हूँ. सो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट इवन आई एम हैविंग माय ओन बैटल्स अगेंस्ट दिस. सो मेरा कहने का मतलब कि उस चीज़ को हमको और भी ग्रोथ होने मत दो. अपने आप को जो फर्स्ट परमेश्वर ने बुलाया था हमारा अवकाश जिस हमेशा कहता हूँ हमारे जिस गटर से परमेश्वर ने निकाला हमको याद रखना चाहिए. We just have to be careful that we never become proud in our own eyes, but always remember.